एक कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। यदि इस कहावत का नवीनीकरण किया जाए यानी कि मॉडर्न जमाने के हिसाब से, तो ये मतलब निकाल सकते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, बेवकूफ बनाने वाला होना चाहिए। इस युग में हम जिस ओर भी आंख घुमा कर देखेंगे, हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है। आपको ऐसे कई दुकानदार दिख जाएंगे जिनके पास ग्राहकों को ठगने के कई तरीके होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें ये सभी आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ और पैसों के साथ खेल रहे हैं। दक्षिण भारत में बनाई गई इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला चुन चुन कर अच्छे फल एक रेहड़ी वाले से खरीद रही है। जब उसके द्वारा चुने गए फलों को तोल लिया गया, उसके बाद रेहड़ी वाला उन्हें पैक करने के बाद आगे झुका और पहले से ही नीचे रखे खराब फल के पैकेट से सही फल बड़ी चालाकी से बदल दिए। यानी पूरे पैसे देने के बावजूद महिला को मिले खराब फल या फिर कम फल, और उसके जाते ही अच्छे फल दोबारा उसने फलों के ढेर में गिरा दिए। इसके बाद भले ही महिला वापस आकर शिकायत करने की सोचे, तो या तो वो मिलेगा नहीं या फिर साफ बोल देगा कि मेरे यहाँ का माल नहीं है ये, क्योंकि फेरी वाले रेहड़ी वाले घूम घूम कर सामान बेचते हैं। लेकिन अब इन जनाब को देखिए, इन्हें पता है कि रेहड़ी वालों की तरह धोखाधड़ी करने पर दुकान उठाकर तो ले नहीं जा सकते, लेकिन लोगों को ठगना भी तो है। तो इन्होंने ये तरीका निकाला ठगी का। ग्राहक के आने पर ये एक फल पहले ही उठा लेता है और ऊंचाई और आगे सामान पड़े होने की वजह से ग्राहक इनकी चालाकी नहीं देख पाता। दुकानदार तराजू पर बगल से उठाकर फल रख देता है, जिसकी वजह से ग्राहक को वजन मशीन की रीडिंग में तो ठीक दिखता है, फिर पैक करते वक्त ये उस फल को नीचे गिरा देता है। ग्राहक को पूरे पैसे देने पर भी उसे मिलता है एक पीस कम। ऐसे ही हर किसी के साथ करते हैं। ऐसे में 5-7 ग्राहक के साथ धोखा करके वो सीधा 1 किलो के पैसे बचा लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम लोग घर में ले जाकर तो फल तोलने वाले है नहीं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे चालाकी से दुकानदार ग्राहक द्वारा पसंद किए गए फलों को पहले से ही कम तोल कर रखे गए या फिर खराब क्वालिटी के फलों से बदल कर रख दे रहे हैं। ऐसा फल वाले ही ज्यादातर करते हैं, क्योंकि एक तो फलों का दाम ज्यादा होता है, दूसरा इसमें गिने चुने पीस होते हैं जिसके चलते इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती और मुनाफा भी अच्छा होता है। ये सब तो एक बार आप फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो जानकर का खून खौल उठेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसों से ज्यादा आपकी कीमती सेहत के साथ खिलवाड़ होता है जिसका आपको पता ही नहीं चलता। आप भी जरूर सलाद में मूली पसंद करते होंगे या मूली के पराठे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, इसलिए खरीदारी करते वक्त सफेद चमकदार मूली देखते ही आप खरीद लेते होंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस जनाब को देखिए, मिट्टी लगी मूली को कैसे रगड़ रगड़ कर गंदी नाली में डुबा डुबा कर साफ कर रहा है। चौंक गए ना, जिस गंदी नाली को हम दूर से ही देख कर अपनी नाक ढक लेते हैं, जिसमें तरह तरह की गंदगी, पेशाब, कीटाणु होते हैं, उसमें खाने वाली चीज को साफ कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, इसे खरीदने के बाद केवल पानी से साफ करने से काम चल जाएगा या नहाने वाले डिटॉल का इस्तेमाल करना भी पड़ेगा, जो हम कर ही नहीं सकते। अब चलिए इनसे मिलते हैं। देखिए, ठेले के नीचे बैठकर कितनी मेहनत करके ये लीची पर स्प्रे मार मार कर आर्टिफिशियल तरीके से मीठी की गई हरी लीची को लाल बना रहे हैं, जिसे हम और हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। चंद पैसों के लिए हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, और सिर्फ फल ही नहीं बल्कि सभी तरह की सब्जियों को, चाहे वो परवल हो या भिंडी हो या मटर हो या फिर कोई भी आपकी पसंदीदा सब्जी हो, लेकिन हरा रंग डालकर या स्प्रे करके ये लोग बेच रहे हैं। इसके अलावा मिठास और साइज में बड़ा करने के लिए तरह तरह के हानिकारक इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, जो जानलेवा है। इनके चमकदार रंग और साइज को देखकर हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिज्जा बर्गर से बच्चों को बचाने के लिए जिन सब्जियों और फलों का हम पौष्टिक समझकर खरीद रहे हैं, वही हमें नुकसान पहुंचा रही है, कैंसर फैला रही है। ऐसे में आम आदमी क्या खाए? ये मिलावट सिर्फ सब्जियों और फलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंडे से लेकर चावल भी मार्केट में प्लास्टिक के बिक रहे हैं। चाइनीज अंडों को देख कर तो आप फर्क भी नहीं बता पाएंगे कि असली है या नकली। अंडे का सफेद हिस्सा जिप्सम के चून, कैल्शियम कार्बोनेट और तेल युक्त मोम की सहायता से तैयार किया जाता है। इसके बाद अंदरूनी भाग को बनाने के लिए जिलेटिन, सोडियम एलिग्नाइट, एल्यूम और कैल्शियम की जरूरत होती है। ऐसी बहुत सी वीडियो और अफवाहें अंडों और चावल के बारे में आपने सुनी होगी, लेकिन अभी तक की जाँच के अनुसार सभी सैंपल फेल हो गए, यानी कि मिलावट के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। 2 साल पहले प्लास्टिक वाले चावल की खूब चर्चा हुई थी, ये सैंपल भी लैब में फेल हो गया। यानी प्लास्टिक वाले चावल की बात केवल अफवाह थी। लोग यहाँ तक दावा करते रहे कि चावल को गेंद की तरह आकार देने पर रबर की गेंद की तरह उछलती है। यही एक नामी कंपनी के आटे में प्लास्टिक की होने की अफवाह भी फैली थी,
जांच में ये बात भी गलत साबित हो गई और विशेषज्ञों ने बताया कि गेहूं में ग्लूटीन की मौजूदगी के कारण ये रबर की तरह फैलता है, ये प्राकृतिक है ना कि मिलावट। लेकिन उन मिलावट करती वीडियोस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये महज अफवाह या हकीकत, कॉमेंट करके बताइए। दूध हर घर की जरूरत है, दूध हर कोई पीता है, लेकिन यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आ रहा है, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। दूध में डिटर्जेंट, पानी और सिंथेटिक स्टार्च समेत कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो हमारी सेहत को खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। हर कोई दूध में होने वाली मिलावट को लेकर परेशान है, लेकिन सही जानकारी न होने से वो सिंथेटिक या मिलावटी दूध और शुद्ध दूध के बीच पहचान नहीं कर पाते। यही नहीं, अब तो अमूल जैसे ट्रस्टेड ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और असली दूध निकालकर नकली दूध भर दिया जा रहा है और पैकेट को दोबारा सील कर दिया जा रहा है। यानी हर जगह मिलावट ने पैर पसार लिए। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज में मिलावट की जा रही है। जीरे में सौंफ और सीमेंट मिलाया जा रहा है, पानी में डालने पर देखिए कैसे सीमेंट अलग हो रहा है। जीरे को पानी में नहीं डालते इसलिए हमें पता भी नहीं चलता, सीधा तेल में डालकर हम सब्जियां तल देते हैं। अगर आपने कभी सेब पर मोम की परत चढ़ाए जाने वाली वीडियो देखी तो आपका खून खौल उठेगा। लेकिन चलिए, आप थोड़ा जागरूक तो हो जाएंगे ना। विशेषज्ञों की माने तो लगभग हर फल पर कुदरती मोम की परत होती है, लेकिन फलों पर अतिरिक्त मोम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया दुनिया में करीब 100 सालों से हो रही है। फलों की पैकेजिंग या उसे तोड़ते समय रगड़ से प्राकृतिक मोम की परत उतर जाती है। इसके बाद दुनिया भर की सरकारों ने फलों पर मोम लगाने की अनुमति दी ताकि ये ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। कुदरती मोम सब्जियों, दालों, खनिजों और चर्बी और फलों से प्राप्त होता है। भारत में ज्यादातर फलों पर खजूर के पत्तों से मिलने वाले कैरा नौबा मोम की परत चढ़ी होती है। हमारे तीज त्योहारों में मुंह मीठा करती दूध और मावे की बनी मिठाइयां भी अब मिलावट के चलते कई बार खुशियों भरे माहौल को गम में तब्दील करती हुई नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे मीडिया और त्योहारों पर धड़ल्ले से पकड़े जाने वाला दूषित जहरीला मावा है। इसलिए दिवाली पर सावधान रहिए। आम आदमी जानते हुए मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। पेट भरने के लिए अन्न और सब्जियां तो खाई गई, लेकिन कुछ गैर जरूरी चीजों से दूरी बनाकर वो अपने शरीर में जाने वाले जहर के कुछ अंश तो कम कर सकता है। अब सवाल उठता है कि इन मिलावटी चीजों से बचा कैसे जाए। एक तरीका तो ये है कि जो चीज भी आप खरीदे उसकी जांच करें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कितनी बार जांच करेंगे? और अलग अलग चीजों को जांच करने के लिए भी अलग अलग केमिकल खरीदने पड़ेंगे जिसके पैसे अलग लगेंगे। लेकिन कुछ चीजों को आप घर पर आसानी से जांच कर सकते हैं। सिंथेटिक दूध की पहचान के लिए उसे सूंघे, अगर उसमें साबुन जैसी गंध आए तो इसका मतलब है दूध सिंथेटिक है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो वो हल्के पीले रंग का ही होता है, वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने को मिलता है। दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किसी चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर दूध की एक या दो बूंद टपकाकर देख लीजिए। अगर दूध बहता हुआ नीचे की ओर गिरे और सफेद धार सा निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। हरी सब्जियों पर मेलाकाइट ग्रीन नामक केमिकल से स्प्रे किया जाता है। पैराफिन से भिगोई हुई एक कॉटन का कपड़ा लें और इससे सब्जियों के ऊपरी हिस्से को रगड़ें। अगर सब्जी का हरा रंग कपड़े पर लग रहा है तो समझ लें सब्जी के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर कपड़े पर बिल्कुल भी रंग नहीं लगता है तो समझ लें सब्जी पूरी तरह नेचुरल है। हरी मटर में हुई मिलावट को चेक करने के लिए 2 से 4 मटर लें और एक बीकर में डालें। इसे पानी से भर लें, इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर उसके बाद पानी की जांच करें। अगर पानी का रंग बदला हुआ नजर आए तो समझ लें मटर के साथ भी मिलावट हुई है। मुनाफे की चाह में कॉस्मेटिक से लेकर दैनिक उपयोग की चीजों और खाद्य पदार्थों तक की जाने वाली ये मिलावट संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक भयानक षड्यंत्र है। रोजाना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप, मैं और हम सब मिलावट के कितने ही षड्यंत्रों से होकर गुजरते हैं, लेकिन ना तो हमें इस षड्यंत्र की भनक होती है और ना इसके गंभीर परिणामों की। खाद्य सामग्रियों पर गलत लेबल लगाने, मिलावट करने या असुरक्षित पदार्थ बेचने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि दुबई में मिलावट खोरी की सजा मौत है। इन मिलावट खोरों के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।